नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों बात करेंगे एनम जीएनएम एलटी एमओ भर्ती यूटीबी जो आधारित जो भर्ती है 2020। सीएमएचओ दौसा ने टोटल 107 पदों के लिए यहां पर विज्ञापन जारी किया था। मैं बता दूं इसमें 13 मेडिकल ऑफिसर और 94 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती शामिल है। युवाओं का कहना है कि सरकार सरकारी भर्तियां नहीं कर रही और कुछ भर्तियां निकलती भी है तो ये कोर्ट में अटका दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, युवाओं का कहना है कि सरकारी भर्तियां सरकार समय पर नहीं कर रही है, कुछ भर्तियां निकलती है तो उन्हें कोर्ट में अटका दी जाती है। जान से ज्यादा नौकरी की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, लगभग जो हमारे संवाददाता ने पूछा तो उन्होंने बताया कि 7,700 रुपए में कैसे नौकरी कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि जान से ज्यादा नौकरी की यहाँ पर जरूरत है। क्या है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, 2 से 3 महीने की संविदा भर्ती के लिए उमड़ी बेरोजगारों की भीड़, कहा जान से ज्यादा नौकरी की जरूरत। कोरोना के चलते बेरोजगारी में इतना इजाफा हुआ है कि संविदा की 7,776 रुपए की प्रतिमाह सैलरी पाने वालों में कई जिलों के बेरोजगार दौसा पहुंचे। देश व प्रदेश में बेरोजगारी का आलम क्या है, इसका आलम उस वक्त देखने को मिला जब COVID-19 RT-PCR लैब संचालन के लिए राजस्थान सरकार के निर्देश पर शुरू हुए साक्षात्कार में संविदा पर 13 चिकित्सा अधिकारी और 94 पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी साक्षात्कार देने के लिए पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारों की भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पद कम और कम सैलरी के बीच कई युवा बेरोजगार मासूम, मायूस तो कई गुस्से में भी नजर आए। कोरोना के चलते बेरोजगारी में इतना इजाफा हुआ है कि संविदा की 7,776 रुपए प्रतिमाह सैलरी पाने वालों में कई जिलों के जो बेरोजगार है वो दौसा पहुंचे। दरअसल युवा पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहा था और COVID-19 ने तो सबको तहस नहस करके रख दिया। सरकारी नौकरी की लालसा में युवा दर बदर भटकता रहा, लेकिन उन्हें फिर भी सरकारी नौकरी नसीब नहीं होती। अब तो संविदा की नौकरी भी एक पद के लिए सैकड़ों दावेदार अपनी दावेदारी जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला दौसा जिला मुख्यालय पर। यहाँ चिकित्सा अस्पताल में संचालित होने वाली COVID-19 RT-PCR लैब में संविदा पर 13 मेडिकल ऑफिसर और 94 पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हजारों की तादाद में दौसा सहित अन्य जिलों के युवा नौकरी के लिए दौसा पहुंचे। युवाओं से जब बात की तो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गए। युवाओं का कहना था कि सरकार सरकारी भर्तियां नहीं कर रही और कुछ भर्तियां निकलती भी है तो उन्हें कोर्ट में अटका जाती है। ऐसे में 7,000 की संविदा की नौकरी करने को मजबूर है, लेकिन वह भी नहीं मिल रहा। युवाओं ने तो यहां तक कहा कि जिस नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए आए हैं वह COVID-19 सैंपल जांच के लिए भर्ती की जा रही है। हर कोई जानता है कि COVID-19 कितना खतरनाक है, लेकिन क्या करें, पेड़ तो बढ़ना ही होगा। बेरोजगार युवा इतने मायूस हो चुके हैं कि उन्हें अपनी जान की से ज्यादा नौकरी की जरूरत है। वहीं जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर सी एल मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्देश पर जिला अस्पताल में RT-PCR लैब शुरू की जानी है, इसके लिए स्टाफ की जरूरत है। ऐसे में संविदा पर स्टाफ भर्ती किया जा रहा है और जल्द ही COVID-19 के सैंपल की जांच जिला अस्पताल में भी हो सकेगी। अभी जांच के लिए सैंपल जयपुर भेजा जाते हैं और रिपोर्ट देरी से आती है, लेकिन जब जिला अस्पताल में लैब शुरू होगी तो जल्द रिपोर्ट मिलेगी और जल्द COVID-19 मरीजों का उपचार हो सकेगा। संविदा पर होने वाली इस स्टाफ भर्ती में महज यह भर्ती है जो 3 महीने के लिए की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बेरोजगारी का आलम एक बड़ी चिंता के रूप में उभरता जा रहा है। रोजगार के अभाव में युवा आत्महत्या कर रहा है। फिलहाल देखने में आ रहा है कि परिवार भी बेरोजगारी के चलते सामूहिक आत्महत्या करने लगे। ऐसे में जरूरी है कि प्रदेश या देश की सरकार रोजगार सृजन के लिए नीतियां बनाए, जिससे देश के जिन युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी है वह इस बेरोजगारी के आलम से उभर सके। तो दोस्तों बता दें, यहाँ पर मैं बता दूं, दौसा जिला मुख्यालय पर यहाँ पर यूटीबी जो संविदा आधारित भर्ती है वो उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ के 94 तो मेडिकल ऑफिसर के 13 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जा रही है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर के लिए 56,000 रुपए मानदेय NHM की गाइडलाइन के अनुसार और जिसमें GNM को लगभग
7,900 रुपए और लेट टेक्नीशियन को यहाँ पर 7,700 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। मैं बता दूं यहाँ पर टोटल 107 पदों के लिए कई जिलों के बेरोजगार युवा दौसा पहुंचे। उन्होंने बताया कि जान से ज्यादा नौकरी की जरूरत है, चाहे वो संविदा हो चाहे परमानेंट भर्ती हो। दोस्तों यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचे कई युवा मायूस तो कई गुस्से में नजर आए, क्योंकि कोरोना के चलते बेरोजगार में काफी इजाफा हुआ है। और यहाँ पर अब तो संविदा की भर्ती के लिए भी एक पद के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी दावेदार नजर आ रहे। मैं बता दूं जो टोटल 107 पद हैं, जिसमें 13 पैरामेडिकल जिसमें 13 मेडिकल ऑफिसर और 94 पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको कोविड-19 की जांच के लिए आरटीपीसीआर लैब संचालन में लगाया जाएगा। और जो कोविड-19 के मरीजों की रिपोर्ट है वो जिला अस्पताल से ही प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 107 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती की जा रही है, जिसमें बेरोजगारों की काफी लंबी लाइनें लगी। मैं बता दूं 3 महीने की संविदा भर्ती के लिए उमड़ी बेरोजगारों की भीड़, कहा जान से ज्यादा। तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीएमएचओ दौसा द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। 13 मेडिकल ऑफिसर और 94 पैरामेडिकल स्टाफ। युवाओं का कहना है कि सरकारी जो भर्तियां हैं वो नहीं कर रही है, और कुछ भर्तियां अगर निकलती भी है तो उन्हें कोर्ट में अटका दी जाती है। इसलिए इस जो बेरोजगारी का दौर है, इसमें चाहे वो संविदा भर्ती हो चाहे परमानेंट भर्ती हो, यहाँ पर जान से ज्यादा उन्हें नौकरी की जरूरत है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर।